नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले नजर 5 मिनट में सुपर बुलेटिन पर। हाइफा में पीएम मोदी ने 99 साल पहले शहीद हुए हिंदुस्तानी जवानों को दी श्रद्धांजलि। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी के साथ शहीद हिंदुस्तानियों को किया। किसानों की बढ़ती आत्महत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सरकार पर सख्त बयान। कहा, सरकार किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है लेकिन फिर भी आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। जोधपुर में सेना का MI-35 हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। जोधपुर के बालेसर के पास हुआ हादसा। राहत के बाद हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। देश के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने अचल कुमार ज्योति। अचल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पद की ली शपथ। कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया। कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी साजिश खुफिया एजेंसी ने जारी किया। हुर्रियत नेता यासीन मलिक गिरफ्तार। बुरहान वानी की बरसी पर हंगामे की आशंका। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने की लोकायुक्त से मुलाकात। सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के 7 मामलों को लेकर 16,000 पन्नों का सौपा सौ। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के शेरकोट रोड पर बस और कार की टक्कर। हादसे में 9 लोगों की। LPG की तरह रेल टिकट पर भी गिव अप योजना। सब्सिडी छोड़ने को लेकर विकल्प देने की तैयारी। गोरखपुर में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम लोगों को हो रही है भारी परेशानी। लखनऊ में भी भारी परेशानी से लोगों का हाल बेहाल है। ऑफिस जाने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है सबसे ज्यादा दिक्कत। ईपीएफओ का भविष्य निधि बकाए की वसूली के लिए 5 बैंकों के साथ करार। बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से ईपीएफओ को सालाना करीब 125 करोड़ रुपए बचाने से मिलेगी। आपके 3 विधायकों अमानतुल्ला खान, जुनैल सिंह और सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR दर्ज। तीनों विधायकों पर महिला से मारपीट करने का आरोप। महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज। NGT ने EDMC और PWD को जारी किया शो कॉज नोटिस। सीलमपुर इलाके में सॉलिड वेस्ट रिहायशी इलाकों में पड़े होने के बाद कार्रवाई न होने पर जारी किया गया नोटिस। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर इलाके में पुलिस ने एक ढोंगी बाबा को किया गिरफ्तार। बाबा पर 4th क्लास में पढ़ने वाली मासूम से दुष्कर्म करने का आरोप। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एयर होस्टेस की छात्रा के इलाज के दौरान मौत हो गई है। बुधवार शाम को छात्रा पर चाकू से गोद कर हमला किया गया था। जख्मी हालत में महिला को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां आज उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली के नरेला इलाके में मामूली कहासुनी पर इरफान नाम के युवक को उसके ही जानकारों ने गोली मार दी। गोली इरफान के कमर में लगी जो बाहर नहीं निकल पाई है। इरफान को सर्जरी के लिए नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद अस्पताल से बड़े अस्पताल अब रेफर कर दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 62 साल की महिला को घर में घुसकर गोली मार दी गई। महिला को एक गोली लगी है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हमले का आरोप एक शख्स पर लगा है जिसके साथ पहले से ही झगड़ा चल रहा था। हिसार के जुवेनाइल जेल से फरार बाल कैदियों की गिरफ्तारी को लेकर खाकी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। पुलिस घटना के 25 दिन के बाद भी फरार किसी भी एक कैदी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गुरुग्राम के सोना चौक पर हड्डियों से भरा कैंटर मिलने से तनाव फैल गया है। कैंटर से ने कई लोगों को टक्कर भी मारी है। लोगों ने कैंटर रोककर ड्राइवर क्लीनर
को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर क्लीनर दोनों मौके से फरार होने में कामयाब हुए। हरियाणा में एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। हड़ताली कर्मचारी केंद्र के एक्साइज और टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान वेतन की मांग कर रहे हैं। निजी अस्पताल में एक स्नेचर की वारदात। अस्पताल में घुसकर महिला का पर्स छीनने की कोशिश। मौके पर महिला और अस्पताल के कर्मचारियों ने स्नेचर को काबू में कर लिया और पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। यमुनानगर के नेशनल हाईवे 73 पर पंजाब रोडवेज की बस और बाइक की टक्कर से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। टोहाना के सिंबल रोड पर अब महिला सरकारी आईटीआई के थाना प्रभारी ने छापा मारा है। मौके से आईआईटीआई के एक सुपरिटेंडेंट, टीचर और एक चतुर्थ श्रेणी सहित 8 कर्मचारियों को शराब पीते हुए काबू किया गया है। चिंगारा के इस मामले में 22 जुलाई तक के लिए सुनवाई टल गई है। सलमान खान पर अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट में एक केस चल रहा है।